नमस्कार दोस्तों, यह अरविंद स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन हुआ है और मैं इसका स्टडी करेंगे कि अरविंद स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है, मैं क्या निर्णय लेना पसंद करूंगा, मैं अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी रखूंगा। तो मैं चूंकि पहले से निवेशित हूँ अरविंद स्टॉक में, तो इसके पहले का जब मैं वीडियो बनाया था तो मैं बोला था आपको कि 374 पे इसका रेजिस्टेंस है, आपको पार्सल प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। तो मैंने उस समय अपना पार्सल प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप चाहें तो हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अभी क्या चल रहा है अरविंद के स्टॉक में, भी पॉजिटिव ट्रेंड है कि पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए, मैं इसी को देखने की कोशिश यहाँ करूंगा। तो देखूंगा कि मैं पहले तो सबसे पहले अपना लाइन ऑफ कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा क्या होना चाहिए। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जिसके बाद जो है पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो हम जो है 360 पे अपना लाइन ऑफ कंट्रोल बनाए, मतलब अभी यहाँ हायर हाई लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो हायर लो सॉरी लोअर लो जब बनने लगेगा तो हम निकल जाएंगे। लोअर हाई, लोअर हाई, ये देखिए ये लो ये लो ये लो, क्या है एक दूसरे के ऊपर बनते जा रहा है, लेकिन यही लो लोअर लो बनने लगेगा तो हम निकल जाएंगे। इसलिए लोअर लो इसके बाद बनने लगेगा, तो 360 का लाइन ऑफ कंट्रोल हमने माना, ठीक है। और हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए निकाला था और इसको एज ए मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में एनालिसिस किया था। तो लाइए देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम, जैसे कि मई का महीना बीत गया है, द एट द एंड ऑफ मंथ में द स्टॉक हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑफ द लेवल ऑफ 360 ऑन द लाइन चार्ट, यू कैन सी हियर क्लियरली। ओके, तो इस पे ब्रेकआउट आ गया है, तो डरने की अभी कोई जरूरत नहीं। थोड़ा इसको कैंडल पैटर्न पे देखें, तो अब कैंडल पैटर्न पे भी देखिए ब्रेकआउट आ गया है। अगर लेकिन अभी आप जब पिछले समय का देखेंगे ना, ये जो कैंडल है जिसका ब्रेकआउट देना चाहिए, तो अभी इसका वीक जो है कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है 382। अगर 382 का क्लोजिंग अगर आ गया होता तो हम 100% मान लेते कि ब्रेकआउट आ गया है। तो अभी भी थोड़ी सी संभावना है, थोड़ा सा डर रहना चाहिए। 382 के ऊपर जब मंथली क्लोजिंग आ जाए तब तक हो सकता है स्टॉक आगे निकल जाए। आप मान के चल सकते हैं कि ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन अभी हमारा कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है। अगर पहले की पोजिशन है तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए, हम बस इतना कहना चाहेंगे। और तो 360 के नीचे जो है आपको निकल जाना चाहिए, अगर 360 के नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो। ये रहा वीकली चार्ट, और 360 के नीचे मैं कह रहा हूँ अगर वीकली क्लोजिंग आए तो निकल जाना चाहिए, अन्यथा जो है अभी इसमें बने रहिए। 382 का जब ये फाइनल ब्रेकआउट दे देगा तब इसमें और ज़्यादा तेजी आ जाएगी, क्योंकि इसमें फिर अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा जहाँ इसका कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं दिखता है लंबे समय। फिर इसका कोई दोस्तों रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं ना। आप इसको होल्ड करके चलिए, हमारी बस इतनी सी राय है। अगर पहले के आप इसमें होल्ड किए हुए पहले से इसको, आपका पोजीशन है, तो मैं जैसा कि आपको बोल के चला था कि आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं 50% 50% आप छोड़ दीजिए। अभी कुछ लोग जो है ना ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का उपयोग करके ट्रेडिंग करते हैं, तो अभी मैक्सिमम नए लोग अब यहाँ पे आएंगे, लेकिन हमारी पोजीशन बहुत पहले की है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप पहले की पोजीशन बना के रखे हैं। तो पहले का पोजीशन बनाने के कहाँ बेस्ट लेवल था दोस्तों, तो पहले का पोजीशन बनाने का बेस्ट लेवल ये था जब 148 का ब्रेकआउट आया था। आई होप आई थिंक दैट आई हैड इन्वेस्टेड एट दिस लेवल। ओके, तो मैं अभी पार्सल प्रॉफिट पर बैठा हूँ, 50% मैं बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी, और 50% छोड़ के रखा हूँ, और मैं आगे इसको ट्रेल करता जाऊँगा। चलिए, तेरा हमारा अरविंद स्टॉक पे राय। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। बस हमारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज होता है, कोई खरीदने बेचने का राय मैं नहीं देता हूँ। आप अगर ऐसा कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो अपना खुद का निर्णय लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। थैंक यू दोस्तों।